رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله سلام سفر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائے دی سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائے دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائے دی رسول اللہ محبت سے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے گئے سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے گئے سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہے سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کے جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کے جو خود بدر کے میدان میں آیا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وہ تھا امی لقب لے کر مگر ام الکتاب آیا کہ جس سے آدمیت کے جہاں میں انقلاب آیا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے رسول اللہ 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 صلی اللہ
अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك فقال تعالى في مقام آخر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। गुज़िश्ता दर्स में हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीख़ और उनके वाक़यात को बयान कर चुके थे और उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हम उसी तक पहुँच चुके थे। कहाँ तक पहुँचे थे? उसी तक। कहाँ तक? उसी तक। उसी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, सातवें पुश्त के अंदर। और मैंने बताया कि इस शख्स का अरबों के अंदर आज तक एहतराम है। इसने कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसे जवाबित रखे कि जिसको आज तक वो हजरात मानते हैं। मैंने बताया कि पांच चीज़ें ख़ास तौर पर हुसैन ने उनकी बुनियाद रखी। दारुन नदवा के जहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल मिलकर किसी अहम मामले में मशवरा किया करते थे। नंबर दो, इसने रिफादा का इंतज़ाम किया, हाजियों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। नंबर तीन, सिकाया पानी पिलाने का हाजियों के लिए इंतज़ाम करवाया। नंबर चार, लिवा एक आलम जो मैदान जंग के अंदर उठाया जाता था। नंबर पाँच, इजाबत बेतुल्ला की जो मुतवर्रिक चीज़ें थी उसको महफूज रखने का इन्होंने इंतज़ाम किया। ये पांच इदारे उन्होंने कायम किए। उसी की औलाद में दो बंदे बड़े मशहूर हुए, अब्दुद्दार और अब्दे मनाफ। अब्दुद्दार और अब्दे मनाफ। अब्दुद्दार ये उम्र में बड़ा है, अब्दे मनाफ उम्र में छोटा है, लेकिन अब्द मनाफ समझदारी और होशियारी में इस बड़े से ज़्यादा है और कबाइल के अंदर ज़्यादा पहचानी जाने वाली शख्सियत वो अब्द मनाफ थी। तो हुसैन ने अपने मरने से पहले अपने बड़े बेटे के, ताकि इसका भी एक असर रसूख हो और ये नाराज़ ना हो, तो हुसैन ने मरने से पहले ये पांचों के पांचों इदारों का निगरान अब्दुद्दार को बना दिया। अब्दुद्दार को बना दिया। अब्द मनाफ का वैसे ही नाम था। अब्दुद्दार जब इन पांचों के पांचों इदारों का निगरान बना, हुसैन का इंतकाल हो गया, तो अब्दुद्दार के बाद अब्द मनाफ के लड़कों ने अब्दुद्दार के लड़कों से इन पांचों के पांचों इदारों पर लड़ाई की, आपस में लड़ाई हुई। अब्द मनाफ की औलादों में एक शख्स बड़ा मशहूर था, छः बच्चे थे अब्द मनाफ के, और उन छः बच्चों में एक का नाम काबिल ज़िक्र है जिसका नाम है हाशिम। क्या नाम है? हाशिम। तो अब्दुद्दार और उनकी औलादों ने उन पांचों में से दो चीज़ें यानी रिफादा और सिकाया, और बाज़ मौरखीन ने कहा बेतुल्ला की जो मुतबर्रिक चीज़ें हैं ये तीसरी चीज़ भी, ये तीसरा इदारा भी ये अब्द मनाफ के बेटों के हवाले कर दिया। और उन बेटों में से किस बेटे के हवाले किया? हाशिम के हवाले किया। किसके हवाले किया? हाशिम। हाशिम अब्द मनाफ का मशहूर बेटा। और हाशिम ने फिर एक नाम कमाया। हाशिम का नाम इसलिए मशहूर हुआ कि हाशिम का मतलब है टुकड़े चूरा चूरा करके लोगों को खिलाने वाला। हाशिम ने ऐसी तरतीब रखी कि मक्का में कहत पड़ा तो हाशिम ने एक बहुत बड़ा हौज़ बनवाया,
और उस होश के चारों तरफ चर्बी से तपाई की उस होश की, और उसमें शोरबा बनाया और रोटियों के टुकड़े उस होश के अंदर डाले, और पूरे के पूरे घराने को उस होश से जो है वो खाना दिया करता था, सैराब किया करता था। इसलिए उसका नाम हाशिम मशहूर हुआ। क्या मशहूर हुआ? हाशिम मशहूर हुआ। इस हाशिम के चूँकि कुरैश मक्का और मक्का के जो लोग थे वो दो जगहों का रुख किया करते थे और दो ममालिक सफ़र किया करते थे। ये गर्मियों में शाम जाया करते थे, मैंने बताया, और ये सर्दियों में यमन की तरफ जाते थे, सर्दियों में यमन की तरफ जाते थे। जब ये गर्मियों में शाम जाते थे तो ये यसरब, जो उस वक़्त यसरब था, जो मदीना के नाम से मशहूर नहीं था, ये उसके रास्ते से ये शाम जाया करते थे। तो हाशिम चूँकि एक मारूफ आदमी था और ताजिर भी था, तो इसने शाम की तिजारत के लिए सफ़र बांधा, और सफ़र बांधने के बाद ये जब यसरब पहुँचा, जिसे आज मदीनतुर रसूल, मदीना मुनव्वरा कहा जाता है, ये तो यसरब था, ये तो हुजूर के आने के बाद मदीना मुनव्वरा बना, ये तो हुजूर की आमद से पहले ऐसी जगह थी कि यहाँ कोई जाता तो बीमार ज़रूर हो जाया करता था, बीमारियों की आमाजगा थी, मौसम अजीब था। लेकिन जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने इसको मदीना मुनव्वरा कर दिया और तमाम बीमारियों को यहाँ से दूर कर दिया। तो ये जब यसरब पहुँचा ये हाशिम, तो वहाँ पर एक औरत जो कि बनू नज्जार, ये नाम आपने याद रखना है, बनू नज्जार के कबीले की एक औरत थी सलमा, उस औरत से इसने शादी की और वहाँ पर निकाह कायम किया। उस ज़माने में होता ये था कि जब ये निकाह होता था तो निकाह होने के बाद नया जोड़ा 3 दिन तक अपने ससुराल के यहाँ ठहरा करता था और उसके बाद उसे अपने घर लाया करता था। तो हाशिम 1 महीना बनू नज्जार के यहाँ सलमा औरत से शादी हुई और बनू नज्जार के यहाँ 1 महीने तक उन्होंने क़याम फरमाया। मैंने जो बताया कि सूरह कुरैश के अंदर भी अल्लाह ने जो ज़िक्र किया कि लीलाफ़ कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलत शिता वस्सैफ, ये लोग सफ़र किया करते थे गर्मियों में और सर्दियों में, और अल्लाह ने अपने इनामात को बयान किया कि देखो मेरे कितने इनामात हैं कि जब तुम गर्मियों में शाम जाते हो तो रास्ते को मैंने पूरा पुरमन बना दिया है, और जब तुम सर्दियों के अंदर यमन जाते हो तो वो रास्ता भी पूरा पुरमन है। फलियाबुदू रब हादल बैत, तुम्हें चाहिए कि अब इस रब के घर की इबादत करो। व आमनहुम मिन खौफ अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ, कि जिस रब ने तुम्हें भूख से भी बचाया, तुम्हें खिलाया, और जिस रब ने तुम्हें खौफ से भी महफूज रखा। यहाँ एक थोड़ी सी बात सूरह कुरैश के हवाले से बताता चलूँ, फिर वहीं से हम आगे जाएंगे। सूरह कुरैश ये बड़ी अहम सूरत है, आज का हर शख्स, आज का हर घराना परेशान है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, सूरह कुरैश की 313 दफ़ा तिलावत करो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर कोई 313 दफ़ा नहीं पढ़ सकता तो सुबह को 140 दफ़ा पढ़ लो और रात को 140 दफ़ा पढ़ लो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर कोई 140 दफ़ा नहीं पढ़ सकता तो उलमा ने कहा 21 दफ़ा सुबह पढ़ ली जाए, 21 दफ़ा रात को पढ़ ली जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह सारे मसलों को हल कर देगा। और अगर 21 दफ़ा भी कोई नहीं पढ़ सकता तो इसका आखिरी जो वजीफा है वो 11 दफ़ा सुबह पढ़ा जाए, 11 दफ़ा रात को पढ़ा जाए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे तमाम मसलों को हल कर देगा। लोग कहते हैं उलमा के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ये खाते कहाँ से हैं, ये इतना बड़ा लंगर तलबा को खिलाते हैं कहाँ से आता है। हुकूमत भी आजकल जो है वो इन्हीं चीज़ों की तजस्सुस में कि ये कहाँ से फंडिंग हो रही है। याद रखिए उलमा के पास ये वज़ाइफ है, उलमा के पास क्या है, ये वज़ाइफ है। उलमा ये वज़ाइफ पढ़ते हैं और अल्लाह गैब से इंतज़ाम कर देते हैं, उलमा ये वज़ाइफ पढ़ते हैं और इसके ज़रिए अपने मसलों को हल करवा देते हैं। तो इन वज़ाइफ का अहतमाम किया जाए। ये बहुत बड़े अल्लाह वालों ने इस सूरह कुरैश के वजीफ़े के बारे में लिखा।
तो हाशिम ने सलमा नाम की औरत से निकाह किया और फिर यहाँ से आगे वो निकलकर शाम की तरफ चला गया और शाम के शहर गज़ा में, जो आजकल फ़लस्तीन का है लेकिन ये असल शाम है, तो गज़ा में हाशिम का इंतकाल हो गया। यहाँ पर मक्का वालों को ख़बर हुई कि हमारे भाई सफ़र पे गए और रास्ते में यसरब के मकाम पर निकाह भी किया और फिर शाम के शहर गज़ा में इंतकाल हो गया। और किसी ने ख़बर दी कि जहाँ निकाह हुआ उनके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ है, जब ये बच्चा पैदा हुआ सलमा नाम की औरत से, तो उसके सर के ऊपर बाल सफ़ेद थे, बाल क्या थे, सफ़ेद थे। तो किसी ने कहा शेबा, शेब अरबी में बूढ़े शख्स को कहा जाता है, इस बच्चे के बाल सफ़ेद थे तो इसका नाम पड़ गया शेबा। क्या नाम पड़ गया? शेबा। अब मक्का में इनके हाशिम का एक भाई था मुत्तलिब। क्या नाम था? मुत्तलिब। उसे खबर हुई कि मेरा एक भतीजा यसरब के अंदर मौजूद है और वो 8 साल का हो चुका है और मेरे भाई ने वहाँ पर निकाह किया था, चूँकि मेरा भतीजा है तो मैं अपने भतीजे को लेने के लिए मक्का से जा रहा हूँ और अपने भतीजों को वापस लेके आऊँगा। अब ये मुत्तलिब मक्का से निकला अपने भतीजे शेबा को लेने के लिए। जब ये मदीना मुनव्वरा पहुँचता तो मदीना मुनव्वरा से कुछ पहले एक मकाम पे किसी ने कहा कि वो बच्चा वहाँ पे खेल रहा है, शेबा वहाँ पे खेल रहा है। कि अरब बड़े ऐसे लोग थे कि ये फेस रीडिंग को पहचान लेते थे और आँखों से और दांतों से और नाक से, उंगलियों के पोरों से बता देते कि ये किस ख़ानदान का बंदा है, ये किस ख़ानदान का बच्चा है। पाँव के निशानात को देख के बता देते थे कि ये किसके पाँव का निशान है, अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत रखी थी। तो ये मुत्तलिब जब आया और ये बच्चे जब खेल रहे थे तो मुत्तलिब ने उस शेबा को देखा और देखते ही पहचान गया कि ये मेरा भतीजा है, और उसे बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुम हाशिम के बेटे हो? उसने कहा जी हाँ, हाशिम का बेटा हूँ। कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तो शेबा ने कहा मैं तो नहीं जा सकता और मैं अपनी वालदा से पूछे बगैर तो सफ़र भी नहीं कर सकता। कहा कि वालदा का घर कहाँ है? उन्होंने बताया वालदा का घर यहाँ पर है। ये उनके साथ चले गए और जाने के बाद उस बच्चे की वालदा को मनाया कि मुझे इस बच्चे को ले जाने दो, इसके वालिद का मक्का में एक बुलंद मकाम था, मुझे इस बच्चे को वो मकाम दिलाना है। या तो ये यतीमों की ज़िंदगी गुजार रहा है और यहाँ पर ऐसे ही बेकार ज़िंदगी गुजार रहा है, ये मेरे साथ मक्का जाएगा, ये अपने वालिद के सीट पे बैठेगा, ज़ाहिर हाशिम की यही एक औलाद है, यही एक बच्चा है, तो इसका जो असल मकाम है वो मक्का मुकर्रमा है और सरदारी है, वहाँ पर इसे मिलेगी, यहाँ कोई इसे सरदार नहीं बनाएगा। वालदा समझ गई कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो वालदा ने इस बात पर राज़ी हो गई और बच्चे को उन्हें दे दिया, हवाले कर दिया कि आप इसे ले जाए। अब ये मुत्तलिब इस भतीजे को लेकर मदीना मुनव्वरा से निकला जो यसरब था, और मक्का मुकर्रमा जब ये पहुंचने लगा तो दूर से लोगों ने देखा, ज़ाहिर ये बच्चा था और ये सवारी पे सवार था और मुत्तलिब के हाथ में सवारी की नुकेल थी। तो किसी ने कहा कि ये मुत्तलिब ग़ुलाम लेकर आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? ग़ुलाम लेके आ रहा है। ज़ाहिर दूर से उन्होंने देखा बच्चा है, खूबसूरत सा बच्चा है, तो कहा ये ग़ुलाम लेके आ रहा है। तो याद रखिए कि जैसे आजकल भी अगर कोई एक नाम किसी का मशहूर हो जाए, लोग कहते हैं भाई मेरा नाम मिट्ठू नहीं है, 40 साल से मिट्ठू लोग उसे बुलाते हैं, लोग कहते हैं भाई मेरा नाम बिल्ला नहीं है, मेरा नाम ये है, लेकिन अब लोगों में बात मशहूर हो गई, अब हर एक उसे उसी नाम से पुकार रहा होता है, उसी नाम से बुला रहा होता है। तो याद रखिए अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये मुत्तलिब का ग़ुलाम है, ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। और उस बच्चे का नाम शेबा फिर मशहूर नहीं हुआ, वो बच्चा फिर अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। किसके नाम से मशहूर हुआ? मुत्तलिब के नाम से। और ये जो लाने वाला जो इसका चचा था, इसका नाम क्या था? मुत्तलिब। और अब अरबी में ग़ुलाम को कहते हैं, तो लोगों ने मशहूर कर दिया ये बच्चा मुत्तलिब का ग़ुलाम है। अब ये बच्चा जब ये मक्का मुकर्रमा में आया
और इसकी परवरिश हुई। ये बड़ा समझदार बच्चा था, बड़ा होशियार बच्चा था। अल्लाह ने इस बच्चे के ज़रिए से काम लेना था। इस बच्चे के अंदर समझदारी और शराफत इतनी थी कि लोगों के फैसले करने लग गया, और फैसले करते करते इस नतीजे पे पहुंचा कि मक्का वालों ने इसे अपना सरदार बना दिया। अब्दुल मुत्तलिब मक्का का सरदार बन गया। और इस बच्चे से अल्लाह ने वो काम लिया। मैंने पिछले दर्स में कहा था कि जब बनू जुरहम वाले जब वो मक्का छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जमजम के कुएं को बंद कर दिया था और ऐसा पैक कर दिया था, सारे मुतबर्रिक चीज़ें भी उसमें डाल दी और उसे बंद कर दिया था। अब ज़ाहिर है लोगों को ये बात तो पता थी कि एक ज़माने में यहाँ जमजम का कुआँ था और यहाँ पानी मौजूद था, ये बात तो लोगों को पता थी, इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तारीख और उनकी औलादें थी तो उन्हें पता थी कि ये चीज़ मौजूद थी। लेकिन कहाँ है वो किसी को नहीं पता, वो कुआँ कहाँ था उसका किसी को इल्म नहीं था। इस अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में अल्लाह ने इसको जमजम के कुएँ का मकाम बता दिया, जमजम के कुएँ का। अब जब ख्वाब में मकाम मालूम हो गया तो ये खुद चला गया, पहले अपने कबीलों वालों से कहा, उन्होंने कहा ये ख्वाब वाब कुछ भी नहीं होते। उसके बाद ये चला गया और ख़ुद ही खुदाई करने लग गया। जब खुदाई करते करते कई दिन गुजर गए और एक दिन ऐसा आया कि पानी निकलना शुरू हो गया। जब पानी लोगों ने देखा तो कबाइल जमा हो गए, और जमा होने के बाद कहा कि इसमें हमारा भी हक़ है, हमारा भी हिस्सा है, ये तो हम भी करेंगे तो हमारा भी हक़ है। तो मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखो ये अल्लाह ने ख्वाब में मुझे दिखलाया है और मैंने ही निकाला है, जिसका मतलब अल्लाह मुझे ही इसका निगरान बनाना चाहता है और मेरी ज़िम्मेदारी ये है, अल्लाह मुझे ही इसका निगरान बनाना चाहता है। मुख्तलिफ कबाइल ने लड़ने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ने करम किया कि वो इस बात पर आमादा हो गए कि चूँकि आपने निकाला लिहाजा आप ही इसके निगरान हैं और सबको पानी पीने की इजाज़त होगी। मुत्तलिब ने उस कुएँ को दरियाफ़्त किया अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके अंदर जो मुतबर्रिकात थे उसके अंदर ख़ास तौर पर हिरन, जो सोने का बना हुआ हिरन नुमा किसी ने भेजा था वो भी इसके अंदर मौजूद था, वो मुतबर्रिकात भी उन्होंने निकाले। और इसके बाद यूँ मक्का मुकर्रमा के अंदर दोबारा जमजम का पानी पी जाने लगा और जमजम का पानी दोबारा मक्का मुकर्रमा के अंदर चलना शुरू हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये कबाइल जमा हुए थे और उनसे लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त एक मन्नत मानी, एक नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और सब के सब मेरी आँखों के सामने जवान हुए तो मैं तेरी राह में एक बेटे को ज़िबह करूँगा। चूँकि क़ुरबानी का तसव्वुर इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ से चला और फिर इन्होंने भी नज़र मानी, मैं एक बेटे को तेरी राह में क़ुरबान करूँगा। और अल्लाह ने बाज़ रिवायत के मुताबिक 10 बेटे और बाज़ के मुताबिक 12 बेटे उन्हें अता कर दिए। सब जवान हुए, सब जवान हुए, जिसमें से मशहूर जो बेटे थे अबू लहब था, अबू तालिब था, और उसके साथ हज़रत अब्दुल्ला जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये मशहूर जो साहिबजादे ये मशहूर हुए। तो हज़रत अब्दुल्ला को आपकी बड़ी मोहब्बत अपने अब्दुल्ला से थी, इनसे बड़ी मोहब्बत थी आपको, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब ये सब के सब बेटे जवान हुए तो अब वो वक्त आया अब्दुल मुत्तलिब को अपनी इस मन्नत को पूरा करने का, वो वक्त आया। अब इन 10 बच्चों में से किसको ज़िम्मा किया जाए और किसको अल्लाह की राह में क़ुरबान किया जाए, तो अब ये मशवरा तय हुआ कि 10 के 10 बच्चों के नाम की अलग अलग कुरानदाजी डाली जाए और जिस बच्चे का नाम निकल आए उसे राह खुदा में क़ुरबान किया जाए। चनाचे 10 बच्चों की कुरानदाजी डाली गई तो इसमें से नाम आया हज़रत अब्दुल्ला का। किसका नाम आया? हज़रत अब्दुल्ला, जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी भी थे। हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। हज़रत अब्दुल्ला का जब नाम आया तो आप इनको क़ुरबानगाह की तरफ ले जा रहे थे तो हज़रत अब्दुल्ला के ननियाल वाले और उनकी बहनें वो हाज़िर हुई, अपने वालिद से कहने लगी क्या आप इनको ज़िबह मत कीजिए, किसी से पूछ लेते हैं कि इसका मुतबादिल कुछ हो।
तो एक काहिना औरत से पूछा गया, उस काहिना औरत ने कहा कि ऐसा करें कि अब्दुल्ला के बदले 10 ऊँटों को कुर्बान करें, दोबारा कुरानदाजी करो। दोबारा 10 ऊँट कुरानदाजी में डाले गए और दोबारा कुरानदाजी की, 10 ऊँट एक तरफ, अब्दुल्ला का नाम एक तरफ। दोबारा की तो दोबारा अब्दुल्ला का नाम अब 20 हो गए, दोबारा की तो फिर अब्दुल्ला का नाम अब 30 हो गए। ये होते होते 100 ऊँटों की कुर्बानी तक चली गई और उसके बाद जो नाम आया वो फिर ऊँटों का आया। उस वक्त से मशहूर हुआ कि एक शख्स की दियत जो है वो कितनी होगी, 100 ऊँट होंगे। कितनी होगी, 100 ऊँट होंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला की भी जो कुर्बानी के मुकाबले में ऊँट आए वो 100 थी। और आज भी शरीयत के अंदर एक जान की दियत कितनी है, 100 ऊँट है। कितनी है, ये आज भी है, आज भी शरीयत के अंदर एक जान की दियत कितनी है, वो 100 ऊँट है। तो अब्दुल्ला के बदले उन्होंने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। अब्दुल्ला से मोहब्बत भी थी तो 100 ऊँटों को राह खुदा में अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्बान कर दिया। एक दफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी तो एक देहाती आया और उसने आते ही कहा, यबन ज़बीहैन, ए दो ज़बीहों की औलाद, यबन ज़बीहैन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, सहाबा नहीं समझे इस बात को लेकिन हुज़ूर समझ गए। सहाबी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर इनकी इस बात का मतलब क्या है? आपने फरमाया, ये हमारी पूरी तारीख को जानता है। इसने कहा कि ए दो ज़बीहों की औलाद, पहला जिसकी मैं औलाद हूँ जिसको अल्लाह ने ज़बी बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम। दूसरा जिसकी मैं औलाद हूँ जिसको अल्लाह ने ज़बी बनाया, वो मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे जिनको अल्लाह ने ज़बी बनाया और मैं उनकी औलाद हूँ। इसीलिए उन्होंने यबना ज़बीहैन कहा, यबना ज़बीहैन। अब इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वाक़या और रूनमा हुआ जिसे क़ुरान मजीद में सूरे फील के नाम से याद किया जाता है। और ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाक़या है, ये ज़्यादा पुराना नहीं आपकी विलादत से। ये वाक़या ऐसे पेश आया, आप क़ुरान मजीद की आयात पे भी ज़रा गौर करें, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क़ुरान पूरी कहानी को नहीं बयान करता, क़ुरान उस कहानी से मिलने वाले इबरत को, सबक को बयान करता है कि इससे क्या सबक मिला, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है। जो अहम बात होती है सिर्फ वो बयान की जाती है, जो अहम बात हुई वो सिर्फ बयान की जाती है। अब्दुल मुत्तलिब जब मौजूद था तो अबरहा जो कि यमन के शहर सनआ, जो यमन का दारुल खिलाफा है, आज भी यमन का दारुल खिलाफा है सनआ, ये अबरहा वहाँ पे नजाशी बादशाह के बादशाही के तहत ये मुल्क था यमन। और याद रखिए उस ज़माने में दो तीन बड़ी सल्तनतें थी, एक कैसर, एक किसरा और तीसरे नंबर पर नजाशी का नाम आता था, शाह हफ्शा जिनको कहते हैं। आजकल उसे भी तोड़ दिया, हफ्शा, एतोपिया और मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक बन गए, उसे भी आजकल तोड़ दिया गया। यमन भी आजकल टुकड़े हो चुका है, शुमाली यमन में अदन है, जनूबी यमन में सनआ है, इसे भी टुकड़े कर दिया गया है। तो अबरहा जो कि उस नजाशी बादशाह का गवर्नर था और सनआ के अंदर इसकी पावरफुल हुकूमत थी और बड़ी हुकूमत थी, सियासी हवाले से मजबूत और ताकतवर हुआ। तो जब कोई शख्स सियासी हवाले से मजबूत हो जाता है तो वो कोशिश करता है कि अब मैं मजहबी हवाले से भी मजबूत हो जाऊँ, इसलिए कि सियासी लोग तो मेरे मातहत तो लोग आ गए, ये जो मजहबी तबका है ये भी मेरे मातहत आ जाए, तो मजहबी हवाले से भी मजबूत होना चाहता है। तो अबरहा ने अपने सनआ के अंदर बैतुल्ला जैसी तामीर करवानी शुरू कर दी और उसे भी उसने खाने काबा का दूसरा नाम दिया। और सिर्फ इस नीयत से कि ये लोग यहाँ से लेकर वो हिजाज जाते हैं, अरबों के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ क्यों जाएंगे, ये लोग यहीं पर जो है वो इबादत करेंगे और मुसलमान यहीं पर जो है वो नऊज़ु बिल्लाह तवाफ़ करेंगे, यही घर हैं, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो यहीं पर ये लोग जो है वो इबादत करें, आज के बाद कोई मक्का मुकर्रमा ना जाए। इसने ये घर बना दिया। जब ये घर बना दिया तो घर बनाने के बाद दो किस्म की रिवायतें आती हैं कि इसके इलाके के अंदर जहाँ पर इसने ये घर बनाया था
मक्का मुकर्रमा का एक नौजवान था, दो तीन नौजवान थे और वो कुछ पकाने के लिए आग जला रहे थे और वो आग इतनी बड़की रात के वक्त के पहुँचते पहुँचते इस घर तक पहुँच गई और ये घर मिनटों के अंदर खाकस्तर हो गया, जलकर राख हो गया। और इस पर अबरा गुस्से में आ गया कि अब तो दूसरा घर बाद में बनाएंगे, पहले उस घर को हम ढाएंगे जो इन लोगों का घर है, इन कुरैश वालों का मक्का मुकर्रमा के अंदर। दूसरी किस्म की रिवायत ये आती है कि बनू किनाना का एक नौजवान था कुरैश के, कुरैश ही का, और इस नौजवान को जब इल्म हुआ ये यमन के अंदर था कि अबरा ने इस तरह का घर बनाया है, तो इसने इस घर के अंदर जाकर गिलाजत कर दी और गिलाजत करने के बाद उसके दीवारों पर भी तपा दी और एक पैगाम दे दिया कि तुमने जिस तरह का घर बनाया उसकी हैसियत हमारे नज़दीक इससे ज़्यादा नहीं, उसकी हैसियत हमारे नज़दीक गिलाजत की और लेटरिन की है, इससे वो ज़्यादा नहीं है। अबरा को इल्म हुआ तो ये बड़े गुस्से में आ गया और इसने कहा लश्कर बांधो और चलते हैं पहले उस घर को गिराने। इसने 60,000 का लश्कर तैयार किया, कितना 60,000 का। मक्का मुकर्रमा वालों के पास उस वक्त कोई जंग करने के लिए ना असबाब ना कोई जंगी लोग ऐसे कुछ भी मैसर नहीं थे, ज़ाहिर छोटे कबाइल थे और एक छोटा इलाका था। तो 60,000 के लश्कर में इसने 13 या 11 या 12, तीनों तारीख तीनों रिवायात मिलती है कि इतने हाथी भी रखे, और ये मक्का वालों ने तो हाथी देखे ही नहीं थे, इसलिए कि हाथी तो जंगलों का जानवर है और ऊँट जो है वो सहरा का जानवर है। लेकिन इसने ताकत के अंदर आकर बज़ोर ताकत इसने 13 या 11 या 12 ये हाथी भी इसने रखे बड़े बड़े, और हाथियों को आगे रखा ताकि मैं उन्हें मरऊ करूं और उन्हें डरा दूं। अब ये 60,000 का लश्कर रवाना हो गया। ये 60,000 का लश्कर पहुँचते पहुँचते रास्ते में अगर कोई इनके मुकाबले आता, इनकी बात नहीं मानता, ये उनसे भी लड़ाई किया करते थे, ताइफ में इनकी लड़ाई हुई। ये पहुँचते पहुँचते मीना की वादी के अंदर एक इलाका है जिसे वादी मुहसर कहा जाता है, ये वहाँ पर आकर रुक गए। वादी मुहसर, आप ऐसे जो हजरात अज उम्रे पे गए हो तो जो ज़ियारात पे जब ले जाते हैं तो मीना की तरफ जाते हुए वो बताते हैं कि ये सामने का एरिया ये वादी मुहसर है, वादी मुहसर। और इससे हुज़ूर ने भी कहा कि चूँकि वहाँ अज़ाब आया तो गुज़रो तो जल्दी गुज़रो, यहाँ से जल्दी गुज़रा करो, यहाँ पर ज़्यादा क़याम मत किया करो। तो ये वहाँ पर आकर रुक गया और रुकने के बाद रास्ते में एक जगह पर बहुत सारे इसे ऊँट मिले, 200 के करीब ऊँट थे, और उन ऊँटों को इसने इसके सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अबरा के सामने ले आए। इल्म हुआ कि ये ऊँट तो और किसी के नहीं, मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के हैं, ये उसके ऊँट हैं, लिहाजा इसने कहा तो बहुत अच्छा काम किया, सरदार के ऊँट हमने पकड़ लिए। तो जब अब्दुल मुत्तलिब को इल्म हुआ तो मुख्तसरन अब्दुल मुत्तलिब अपने इन ऊँटों को वापस लेने के लिए हाजिर हुआ अबरा के दरबार में। जब अबरा के पास आया तो अबरा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, अब्दुल मुत्तलिब एक लंबे कद के और मारूफ शख्सियत थे, तो इन्होंने देखते ही उनकी शख्सियत से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने छूटते ही कहा कि मैं अपने ऊँटों की वापसी के लिए आया हूँ, मेरे ऊँट जो आप लोगों ने वसब ये मुझे वापस किए जाएँ। तो अबरा ने कहा बड़ी हैरानी की बात है, एक सरदार मुझसे ऊँटों की वापसी का तकाजा कर रहा है जबकि मैं बैतुल्लाह को गिराने आ रहा हूँ, मुझसे लड़ने की बात नहीं कर रहा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगा कि मैं अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुन यमना, मैं इस ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का और इस बैतुल्लाह का एक रब है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं अपने ऊँटों के तकाजे के लिए आया हूँ, इस घर को बनाने वाला वो इसका खुद ही मुहाफिज है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। तो अबरा ने उसके ऊँट वापस कर दिए और यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम के पास आया और सबसे कहा कि सब के सब पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, यहाँ नीचे अब मत आना, और अभी इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये वादी मुहसर से जब ये ऊँटों को लेकर आगे निकलने लगा तो जैसे आगे निकलने लगा तो ये ऊँट और ये हाथी, तो हाथी आगे नहीं जा रहे थे, हाथियों का रुख मक्का की तरफ करते हैं तो वो बैठ जाते हैं, हाथियों का रुख वापस यमन की तरफ करते हैं तो वो चलने शुरू हो जाते हैं।
इनके हाथों में जो हाथी चलाने वाले थे ऐसी सीखें थी, वो सीखें भी अंदर डाली गई लेकिन वो फिर भी जाने को तैयार नहीं थे। अगर इनका रुख यमन की तरफ करते वो चलते हैं, और अगर इनका रुख बेतुल्ला की तरफ करते तो वो न चलते। बहरहाल ये लश्कर वादी मुहसर से आगे आने लगा। जब ये आगे आने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ग़ैबी हिसार था, उस हिसार को इन्होंने तोड़ दिया। जब उस हिसार को तोड़ दिया तो अल्लाह ने व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने इतने बड़े लश्कर का अंजाम इतने छोटे छोटे परिंदों के हाथों किया। अल्लाह ने फरमाया हमने गोल दर गोल परिंदे भेजे, और ऐसे परिंदे जो अबाबील थे। बाज़ उलमा लिखते हैं कि अबाबील छोटे परिंदे को अरबी में कहा जाता है, छोटे परिंदे को चाहे वो चिड़िया भी हो। अल्लाह ने अबाबील भेजे, ये अबाबील ऐसे थे कि एक पंजे के अंदर एक गोल, दूसरे पंजे के अंदर दूसरा कंकर, और एक मुंह के अंदर। हर अबाबील के पास तीन तीन कंकर थे, और ये जब यूँ कंकर गिराते थे तो कंकर गिरते हुए अगर सर के ऊपर लगता तो नीचे पाँव के नीचे से गुजर जाया करता था, अंदर के निज़ाम को धर्म भरम कर देता, और अगर हाथी के ऊपर लगता तो नीचे से निकल जाया करता था। अल्लाह ने उनकी मिसाल कैसे दी कुरान में, वजअलहुम कअस्फिन मअकूल, कहा कि ऐसा हमने बनाया इन लोगों को जैसा एक खाया हुआ भूसा होता है। जानवर जब कोई चारा खा लेता है और खा लेने के बाद आप उस जानवर को ज़िबा करें, उसकी होजड़ी को आप दरमियान में से काटें, अंदर कैसी हो वो भूसा कैसे बना हुआ होता है। अल्लाह ने इन लोगों को भी ऐसा कर दिया, जिसके ऊपर लगता वो कीमा हो जाता, हाथी के ऊपर लगता वो हाथी कीमा कीमा रेजा रेजा हो जाता। ये आज की तारीख और आज जिस ज़माने में हमें, इस ज़माने की गोलियों से भी ज़्यादा ताकतवर वो कंकर थे। अल्लाह ने ऐसा उनको कर दिया, वजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अब्रहा ने जब अपने लश्कर का अंजाम देखा तो डरता डरता वापस पलटने लगा, वापस यमन की तरफ। लेकिन मौर्रखीन लिखते हैं कि इसको ऐसी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी लगी कि इसके जिस्म के अज़ा गलने लगे, गिरने लगे, सड़ने लगे। कभी उंगली गिर रही है, कभी हाथ गिर रहा है, कभी ये कान गिर रहे हैं, नाक गिर रही है। और ये इस हाल में होता हुआ ये सनआ पहुँचा, ये सनआ पहुँचा, तकरीबन लश्कर तबाह हो गया। जब ये सनआ पहुँचा ये लोगों से कहता रहा कि बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी। ये सनआ पहुँचा तो सनआ पहुँचने के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई जैसा कि एक चूज़े को अगर आप ज़िबा करें और उस चूज़े के ऊपर का जो चमड़ा होता है उसे निकाल दिया जाए, अंदर क्या कैफियत होती है। इसी तरह इसकी हालत हो गई और इसके पेट की सारी चीज़ें बाहर आ गई और इसको देखने वाला कोई नहीं था। अब्रहा का ऐसा अंजाम अल्लाह ने किया। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बि असहाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह ने लोगों को बता दिया कि मैं तो इनको बग़ैर इन परिंदों के भी मार सकता था, लेकिन दुनिया को भी ये बताना था कि अगर कोई शख्स जिन चीज़ों की मैंने हिफाजत ली है अगर उनकी तरफ कोई आँख उठा के भी देखेगा तो अब्रहा जैसा उसका अंजाम इस दुनिया में भी होगा, अब्रहा जैसा उसका अंजाम होगा। तो अब्रहा का ऐसा ही अंजाम हुआ, और सूरह फील के अंदर अल्लाह ने इस वाक़े को बयान कर दिया। ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कोई 50 दिन या 55 दिन के पहले का वाक़या है। यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला की शादी आमना बिनते वहब से कर दी। आमना बिनते वहब से इन्होंने इनकी शादी 17 साल की उम्र में की, और 17 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, और हज़रत आमना के पेट में एक रिवायत के मुताबिक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि बाप का इंतकाल हो गया, और एक रिवायत के मुताबिक ये है कि आप अलैहिस्सलाम दो माँ के थे कि वालिद जो है वो सफ़र पे तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा और खजूरों की तिजारत के लिए गए, और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। और चंद चीज़ें उन्होंने अपने तरके में छोड़ी, चंद ऊँट थे और चंद जो है वो खजूर थे, और उसके साथ एक मानी थी जो उम्मे अयमन रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनका असल नाम बरका है,
लेकिन मशहूर वो उम्मे अयमन के नाम से है जो हज़रत अब्दुल्ला की बांदी थी उसके नाम से मशहूर है। ये इन्होंने अपने कुल तरक़े के अंदर छोड़ा। यहाँ तक हम आ गए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إله العالمين إيمانك وشفاء كاملة عاجلة دائمة مستمرة نصیب فرما جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں إله العالمين ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا جنت الفردوس کی حمایت کے لیے معطر منور فرما إله العالمين ہماری مائیں بہنیں جو یہاں محبت سے اور حضور کی محبت میں تشریف لاتی ہیں ان کے تمام جملہ مسائل کو حل فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو گھروں کے اندر ہیں پریشانیوں کا شکار ہیں بے سکونی کا شکار ہیں الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو ختم فرما ان کی گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما دینی اور دنیوی ان کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرما ہمارے گھروں کو ناشاقیوں سے نا اتفاقیوں سے جھگڑوں سے محفوظ فرما ہمارے گھروں میں سکون اتحاد اتفاق چین اور برکتیں ہی برکتیں عطا فرما ہماری ماں بہنوں کو صحابیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مردوں کو صحابہ اکرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا اپنے دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما آپ کی اولاد کی آپ کے آل کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما ہر قسم کے تمام آفات سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اس شہر کی حفاظت فرما اس ملک کو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب العالمين